इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर स्नेल्स लॉ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके क्वेश्चन का आंसर, उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो स्नेल्स लॉ को समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि स्नेल्स लॉ का कनेक्शन रिफ्लेक्शन से है और रिफ्रैक्शन से भी है। जब आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ जाता है तो रिफ्रैक्शन ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, और रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो उसके लॉ भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसके एक लॉ और इसका लॉ दोनों का एक सा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें देखो आप रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाई ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर इस वीडियो में हम डेफिनेशन तक ही फोकस नहीं रहेंगे, बल्कि उससे भी आगे जाएंगे। लॉ में रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट बाउंस बैक होती है, मतलब वापस जाती है। देखो ये दो डायग्राम बनाए हैं, दोनों में बाउंसिंग हो रही है लाइट, लाइट दोनों में बाउंस होती है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन है या नहीं उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं। यदि वो लॉज फॉलो होते हैं तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जैसे एक्सीडेंट की बात करते हैं हम, तो एक्सीडेंट तब कहलाता है जब कोई इंजरी होती है। ठीक इसी तरह रिफ्लेक्शन तभी कहलाया जाएगा जब कुछ लॉ अप्लाई होंगे उसमें। तो पहला लॉ ये कहता है इंसीडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो इसमें देखो आप, ये जो लाइन, ये जो रे है जिस पे आ रही है, ये है ग्लास, सॉरी ग्लास नहीं, मिरर है ये। इस रे को कहते हैं इंसीडेंट रे, आने वाली रे, और जाने वाली को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये जाने वाली, ये जाने वाली। पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ये वाला है, ये वाला है, नॉर्मल भी यही है, ये सीधा डॉटेड लाइन में नॉर्मल है। तो सभी एक प्लेन में है। देखो ये लाइन और हमारा मिरर और नॉर्मल, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। वाइट बोर्ड पे सब हैं, ऐसा तो है नहीं इंसीडेंट रे इस वाइट बोर्ड से बाहर निकली हो, वो सभी एक ही चीज़ में हैं। तो पहला लॉ तो फॉलो होता है दोनों में, तो क्या रिफ्लेक्शन है? दोनों लॉ अप्लाई होंगे तभी ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आई और आर, आई है आने वाली किरण और आने वाली रे और नॉर्मल से बना एंगल, ये है हमारा नॉर्मल, इसे कहेंगे हम नॉर्मल, डॉटेड लाइन में जो बना है ये भी नॉर्मल, इससे बना एंगल है आई और आर, ये है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो आर कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसीडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसीडेंट। दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो किस में इक्वल हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आई एंड आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर एक अनइक्वल है। तो रिफ्लेक्शन ऊपर वाले डायग्राम में है, नीचे वाले डायग्राम में नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ होती है, इसमें बेंडिंग, लाइट बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसका रिफ्रैक्शन। मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का मतलब है कांच की सिल्ली से। मैं आपको दिखाता हूँ स्लैब, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है कहाँ पर है, आप वीडियो में देखोगे, अभी आगे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो ये लाइट आई यहाँ पर, मान लीजिए ग्लास स्लैब नहीं थी तो ये लाइट यहाँ पर पहुँच रही थी, ये लाइट यहाँ पर पहुँच रही थी। अब हमने ग्लास स्लैब लगा दी इसकी जगह, तो ये देखा गया लाइट यहाँ पर पहुँच रही है। अब तो लाइट यहाँ पे आ रही थी, अब ये बेंड होके इधर हो गई, मतलब बेंडिंग हुआ, मतलब डेविएशन हुआ, मतलब विचलन हुआ। डेविएशन का मतलब विचलन, बेंडिंग का मतलब मोड़ने से है। तो जहाँ लाइट मुड़ेगी
वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। ये थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाता है, लाइट बेंड हो रही है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन है, लेकिन रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकल वे में, या एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। इसे देखिए आप। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। ये लेज़र है जिससे हमें लाइट रे मिलेगी। ये है मिरर जिससे रिफ्लेक्शन होगा, और कुछ नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आपको शायद इंसिडेंट रे दिख रही होगी जो लेज़र में से निकल रही है। ग्रीन कलर की है ये, और ये पॉइंट आपको चमकता हुआ दिख रहा है इस मिरर पर। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारी जो निकल के गई है रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और स्पष्ट करने के लिए मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखेगा। शायद आपको अब दिख रहा होगा, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप देखो, यदि इस वाले पॉइंट पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं सीधी इस तरीके से, तो आप देखो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक से हैं। इस वाले एंगल को कहते हैं आई और ये है आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉ अप्लाई होगा। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड बोला है, रिफ्रैक्टेड ना समझें आप, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है, मैं इमेजिन इमेजिन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये नॉर्मल है और ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये एक प्लेन लगा दिया, अब इस प्लेन में देखोगे आप, ये तीनों एक ही में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही में लेटे हुए हैं ये। तो यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन को समझते हैं। ये टेबल पर ग्लास स्लैब है जिसे कांच की सिल्ली भी कहते हैं, और ये आप रे देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, और जो ग्लास से टकरा कर आ रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे। दो हैं रे इसमें रिफ्लेक्टेड रे, और ये सामने जा रही है इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर एक डॉट बना रही है। ये आपको डॉट दिख रहा है। अब मैं ग्लास स्लैब हटाता हूँ तो ये आप देखो डॉट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब ग्लास स्लैब रखता हूँ तो फिर ये उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर हटाता हूँ, फिर आ जाता है उस कंडीशन पर। अलग अलग एंगल पर ये इसका जो शिफ्ट है अलग अलग होता है, अलग अलग। तो ये जो लाइट रे है अपने पाथ से डेविएट हो रही है या मुड़ रही है, तो इस फिनोमिनन को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। आपको पता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे आपने इस ग्लास स्लैब में देखा, कुछ रे वापस आ रही हैं और कुछ रेस ग्लास स्लैब में से गुजरते हुए एक डॉट बना रही हैं। तो जो वापस आ रही हैं वो आ रही हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, और जो सामने जा रही हैं डॉट बना रही हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी वजह से हम तालाब में साफ पानी में अपना मुंह देख लेते हैं तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से, और तालाब में जो मछलियाँ होती हैं वो देख पाते हैं तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो आपने देखा इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन।
रिफ्रैक्शन के लॉ पर आते हैं। पहला लॉ तो आप ऊपर वाला याद कर लो, क्योंकि ये मैंने आपको प्लेन रख कर दिखा दिया था। प्लेन इमेजिनरी होता है, लेकिन मैंने आपको एक प्लेन रख के दिखाया था, वो तो रियल था, लेकिन आप हमेशा याद रखना वो इमेजिनरी होता है। तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में लाई करती हैं, एक ही प्लेन में। पहला लॉ तो यही कहता है। दूसरे लॉ से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से ही हम ये पता कर पाते हैं कि किस मीडियम में लाइट ज़्यादा बेंड होगी या कम बेंड होगी। फिजिकल क्वांटिटी आपके मन में आ रहा होगा क्या चीज़ होती है ये? फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, टेम्परेचर और करंट, वेलोसिटी, ऐसे ही ये भी दूसरे लॉ से हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता करने के लिए अपना लॉ दिया, और उसने कहा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड इस तरीके से करोगे। आपको करना क्या है, इंसिडेंट रे लेनी है ये, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल है आई, और जब ये इसमें से पास होगी, ये है डेंस मीडियम, मतलब डेंसर है ये मीडियम, और ये एयर मान लेते हैं हम रेयरर मीडियम। राइटिंग थोड़ी मैसी है, बट डू नॉट कंसीडर। अब जब डेंसर मीडियम आता है तो लाइट हमेशा बेंड होती है, ध्यान रखें आप। तो लाइट बेंड हो गई, सीधे जाती वैसे ये, लेकिन ये मीडियम बदल गया तो ये बेंड हो गई। और नॉर्मल से बना एंगल है आर। तो स्नेल्स ने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है ना, तो आप साइन का फंक्शन यूज करो और आई, और यहाँ आर लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी, और उस कांस्टेंट को उसने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे सर्कमफ्रेंस, स्पेलिंग समझ जाना आप, अपॉन डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होता है पाई, और पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 के अप्रोक्स आती है। जैसे मान लो आप एक सर्कमफ्रेंस इसकी मेज़र करो थ्रेड से, और इसके डायमीटर को मेज़र करो, और उनको डिवाइड लगा हुआ, तो यू विल ऑलवेज गेट 3.14 समथिंग ऑलमोस्ट। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इसमें आई और आर के साइन का जो रेशियो है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। आई और आर हमने ग्लास स्लैब लगाई तो आई और आर देखा, और इन दोनों का रेशियो निकाला तो एक वैल्यू आएगी। मान लो एक मटेरियल है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई और आर की वैल्यू हमने मेजर कर ली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, और हमने देखा एक इंस्ट्रूमेंट, एक मटेरियल की, मान लो इसकी ये एक वन मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.3। दूसरा मटेरियल लिया, इस ग्लास स्लैब की जगह मैंने कुछ और ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, तो उसका आया 1.2। तीसरा मटेरियल लिया, उसका आ गया 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीन वैल्यू हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो आप ध्यान रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उस मटेरियल में लाइट रे उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी। तो स्नेल्स लॉ ने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड दिया,
और वो कह रहा साइन आई अपॉन साइन आर। अलग अलग बुक्स में इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से दिया गया है। इन दोनों का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये अकेली मेथड नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का, बहुत सारे मेथड हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको फाइंड करा जा सकता है। मैं अब आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। बाकी की बातें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर बताएं मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बनाने की, क्योंकि यही वीडियो बनाने में दो दो दिन लग गए। एक्चुअली क्या ये था कि ये वीडियो दो पार्ट में बनाई थी, एक बार एक्सपेरिमेंट करा गया था, एक बार ये, एक बार मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया था, एक बार नॉइसी नॉइज़ बहुत ज़्यादा था इस वजह से नहीं बन पाई, तो बहुत सारे रीज़न थे। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर।